हे एवरीवन, दिस इज़ अ पार्ट थ्री एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी कंप्लीशन। सो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है करने में, क्योंकि नीचे बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं, जिस तरह कि हमें सिर्फ फोर आंसर फाइंड आउट करने हैं और ऑप्शन हमारे पास नियर अबाउट नाइन है। सो प्रॉब्लम आती है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। सो आज आपके साथ जो है वही ट्रिक्स वही यूज़ करेंगे, बट एक ट्रिक जो मेरे लिए हमेशा काम आती है वही यही कि जब भी आपको कंट्रास्टिंग वर्ड मिले या कोई आपको ऐसा वर्ड मिले जिस पे लगता है आपको कि वाइल वेयर एस वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है 99.9% उसके आसपास जो है आंसर मिल जाता है ईजिली। बस आपको थोड़ा ध्यान से उसे रीड आउट करना होता है, दैट्स इट। अब चलिए समरी कंप्लीशन देखते हैं। सो समरी कंप्लीशन में क्या है, सिमिलर फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, सीक्वेंस वाइज आपके आंसर्स होते हैं, टेंशन की बात नहीं है। बस आपको थोड़ा सा जब आप गो थ्रू हो जाओगे इतने क्वेश्चंस के कि आपको पता है आपने ट्रू फॉल्स कर लिए हैं पहले और आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो एमसीक्यूज़, तो क्या है कि आपको समरी की लोकेशन जो है वो ईजिली मिल जाएगी। अगर आपको इन स्टार्टिंग में आ जाता है पैराग्राफ के समरी कंप्लीशन, तो आपको क्या है कि वो आंसर जो है वो स्टार्टिंग में ही मिलेंगे उसके। सो अगर आप देख रहे हो 37th नंबर, तो हमने यहाँ पर दिया हुआ है रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हैव शोन दैट डैश स्किल्स बिकम मोर सिग्निफिकेंट विद एज। कौन सी ऐसी स्किल है जो ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है विद एज, जैसे जैसे एज ग्रो होती है। सो आपने अगर नोट किया हो तो हमने जब हम येस नो नॉट गिवन कर रहे थे उस टाइम पे हमें यहाँ पर एज से रिलेटेड एक थ्योरी मिली थी। तो उन्होंने क्या कहा था, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट स्टडीज़, तो उन्होंने कहा है रिसर्चर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हैव शोन दैट, क्या शोन किया उन्होंने, अब उन्होंने यहाँ पर शोन किया इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्किल वेरी विद एज, एज के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी होती रहती है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, फर्स्ट ईयर में क्या है कि वो मेजर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, वेयर एज जबकि वर्बल एक्टिविटीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट लेटर ऑन, बाद में क्या हो जाता है वर्बल एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। यानी कि आंसर कहाँ पर आपको मिल रहा है, जहाँ पर आपको दिया हुआ है वेयर एस। उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग ईयर ऑफ अवर लाइफ, जो हमारे पहले एक दो साल होते हैं जिंदगी के, उस टाइम पे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वेयर एस बाद में लेटर ऑन, बाद में क्या होता है वर्बल एक्टिविटीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट। अब उन्होंने यहाँ पर आपको क्या कहा था, डिवेलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हैव शोन दैट डैश स्किल्स उन्होंने वर्ड यूज़ किया है एबिलिटीज बिकम मोर सिग्निफिकेंट आर मोर सिग्निफिकेंट की जगह पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है इम्पोर्टेंट विद एज, और एज के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती हैं, बट उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था वेरी विद एज, और यहाँ पर उन्होंने किया कि फर्स्ट ईयर में ये होता है बट लेटर ऑन ये होता है, तो आपको आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या आएगा, वर्बल। सो आपको डायरेक्टली जो है ये दिया हुआ है वर्बल। ओके, मिल गया आंसर आपको, इसका आंसर आएगा वर्बल, सी। आपको वहाँ पर वर्बल नहीं लिखना, आपको यहाँ पर सी लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं, वन गुड प्रेडिक्टर ऑफ डैश इंटेलिजेंस इज द डिग्री टू विच स्मॉल चिल्ड्रंस आर डैश अबाउट देयर सराउंडिंग एंड हाउ मच इंटरेस्ट दे शो ऑन फाइंडिंग देम सेल्फ इन एन। अब यहाँ पर जो है एन दिया गया है, इट मीन्स कि इसके बाद वाला अक्षर जो है वो एक वोवल होगा, ये आपको पता है, ग्रामर से आप सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट चलिए अब हमें आंसर ढूंढना है इसका 38 का, प्रडिक्टर यानी कि किसी ने कोई प्रडिक्शन की है। अब प्रडिक्शन वाला वर्ड भी हमने पढ़ा था, वो कहाँ पढ़ा था, हमने कौन से पैसेज में पढ़ा था वो हम देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर था आपका वर्ड प्रडिक्ट, प्रडिक्ट लेटर इंटेलिजेंट। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है आपको वर्ड प्रडिक्ट, तो प्रडिक्टर, अब यहाँ पर ये वर्ड है प्रडिक्ट और वहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रडिक्टर,
यानी कि किसी ने प्रडिक्शन की है। अब किसने की है वो हमें मिलेगा, ये ई पैराग्राफ से ऊपर है, सो डी में ही आंसर है उसका। सो उन्होंने क्या कहा, इट हैज़ बीन, यहाँ से हम लाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है वो लाइन ख़त्म थी, इट हैज़ बीन फाउंड दैट टेस्ट ऑफ कॉपिंग विद नॉवल्टी टू प्रडिक्ट लेटर इंटेलिजेंस। अब यहाँ से कोई क्लियर नहीं हो रहा हमें एक लाइन पढ़ के, सो हमें क्या है कि वो पैराग्राफ की पिछली दो तीन लाइनें और पढ़नी पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि वो वर्बल एक्टिविटीज़ जो है मोर इम्पोर्टेंट हो गई थी। दिस फाइंडिंग सीम टू बी सजेस्ट अ लेक ऑफ कॉन्टीन्यूटी बिटवीन, मतलब क्या था कॉन्टीन्यूटी के बीच में क्या चल रहा था, इन्फ्लुएंस जो इन्फिनेंट हैं और जो अडल्टहुड में आते हैं उनके बारे में। हाउ एवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज, ये रियलाइज़ करना कि उनकी जो स्किल है वो वेरी होती रहती है, वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे वो अडल्ट होते जाते हैं, जैसे जैसे वो चेंज होते रहते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट टेस्ट ऑफ कॉपिंग नॉबल्टी डू प्रडिक्ट लेटर इंटेलिजेंस, जब प्रडिक्शन हुई इंटेलिजेंस के बारे में तब ये पता चला था। ठीक है, अब किसके किसके बारे में प्रडिक्शन की गई थी, किसके बारे में, कि जब पर्सन एज में बड़ा होता जाता है उस टाइम पे जो है उसका लेवल जो है वो अप होता जाता है, चेंज यहाँ पर बात की गई थी। हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, किसके बारे में बात कर रहे थे वो, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वर्बल एबिलिटी जो है वो अप होती जाती है। और उन्होंने क्या फाइंड किया कि जब स्टार्टिंग में क्या है पर्सन की लेक उसमें कमी होती है कॉन्टीन्यूटी में इन्फिनेंट में, जबकि बाद में ये रियलाइज़ करना कि जो उसकी कॉग्निटिव स्किल है वो छोटे होते हुए टेस्ट की गई थी अब नहीं। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द टेस्ट ऑफ कॉपिंग विद नॉबल्टी डू प्रडिक्ट लेटर इंटेलिजेंस, जो हमने पहले किया था वो बाद में चेंज होकर किस में हो गई है, इंटेलिजेंस में। सो यहाँ पर प्रडिक्टर ऑफ अडल्ट्स इंटेलिजेंस की बात की गई है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या है आपका, ए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्बल एक्टिविटी की बात की थी कि वो बाद में अब हो जाती है, कब होती है, फर्स्ट ईयर में क्या है कि फर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ क्या था कि कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो ही ग्रो होती हैं, बट बाद में आपकी वर्बल एबिलिटीज़ भी ग्रो होती हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। एज बढ़ना यानी कि आप जब इन्फिनेंट से मिडल अडल्टहुड में आते हो। सो अडल्टहुड की इंटेलिजेंस के बाद में एक प्रडिक्शन की गई थी, वो क्या प्रडिक्शन की गई थी, वो ये है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा इस डिग्री टू विच स्मॉल चिल्ड्रन आर डैश अबाउट देयर सराउंडिंग। ठीक है, अब उन्होंने कहा दिस फाइंडिंग री इन्फोर्स द व्यू दैट यंग चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस नीड टू बी असेस्ड फ्रॉम देयर इंटरेस्ट इन एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द एनवायरनमेंट। अब इन्वायरमेंट वर्ड उन्होंने यूज़ किया है किसकी जगह पे, सराउंडिंग की जगह पे। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, इस डिग्री टू विच स्मॉल चिल्ड्रन की जगह पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया था यहाँ पर यंग चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पर उन्होंने स्मॉल चिल्ड्रन लिखा है, वहाँ पर उन्होंने लिखा है यंग चिल्ड्रन। वो क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नीड टू बी असेस्ड फ्रॉम देयर इंटरेस्ट, किसके बेस पे होनी चाहिए, इंटरेस्ट इन एंड क्यूरियोसिटी, और उनके क्यूरियोसिटी के बारे में। अब यहाँ पर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी नहीं दिया गया, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिया गया जहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। सो ये जो वर्ड है ना, प्रैक्टिकल अगर बात करो तो प्रैक्टिकल जो है इसे आप इंटरेस्ट नहीं कह सकते, इसे आप क्यूरियोसिटी नहीं कह सकते। ओके, स्पेशल ये होता है स्पेस से रिलेटेड, ठीक है, कोई चीज़। एकेडमिक नो, प्लेंटीफुल आपको पता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अनसर्टेन आपको पता है बहुत जो बहुत कॉमन ना हो और अनसर्टेन हो, ठीक है। अनफेमिलियर जो बहुत अननोन हो उसे हम अनफेमिलियर कहते हैं। सो कोई वर्ड मैच नहीं कर रहा सिवाय इसके, अगर इसका मीनिंग नहीं भी आपको पता है तो भी आप डेफिनेटली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका आंसर ये है बाकियों को एलिमिनेट करके। सो दो मेथड जो हमेशा काम करते हैं कि अगर आपको आंसर सही नहीं पता चल रहा तो आप एक काम कर सकते हो, आप गलत आंसर्स को काटना शुरू कर दीजिए कि हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, जो पीछे रह जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। फाइंडिंग द राइट आंसर
इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट है फाइंड करना राइट आंसर को, तो आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे इसका मतलब क्यूरियोसिटी ही होता है, आप नोट डाउन कर सकते हो, पर अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता फिर भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आप बाकी के गलत आंसर को क्रॉस करते जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि बाकी के आंसर्स नॉर्मली आपको कुछ वर्ड्स के हो सकता है कि अगर आपको 10 वर्ड दिए गए तो आपको एक या दो हार्डली ऐसे होंगे जिनके आपको मीनिंग नहीं पता होंगे, बट बाकियों के मीनिंग आपको पता भी होंगे और एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड्स जो है पैसेज में दिए भी होंगे। सो हमारे पास बचा है लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच इंटरेस्ट दे शो ऑन फाइंडिंग देमसेल्फ इन एन डैश सेटिंग। अब ये तो आपको पता है कि यहाँ पर एन है और ना तो आंसर ये आएगा, ठीक है, हमारे पास बचता है ये, ना ये आएगा, ना ये आएगा, और ये दो, ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं। इन तीनों में से इसका आंसर क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ये समझ आया। मैं आपको पैसेज दिखा रही हूँ कि कहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। दिस इज़ अ पैसेज एंड पैसेज का आंसर नेक्स्ट लाइन में ही है, ठीक है, इस लाइन में ही आंसर है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, सिर्फ एक लाइन आपको पढ़नी है, एंड द एक्सटेंट टू विच दिस इज़ अप्लाइड टू न्यू सोल्यूशन सिचुएशंस एज वेल एज बाय स्टैंडर्डाइज इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग, अप्लाइड टू न्यू सिचुएशंस एज वेल एज बाय स्टैंडर्डाइज इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग। सो इसका आंसर आपको बताना है मुझे, फोर्थ का क्या आएगा। आपने स्टेटमेंट देख ली, आप स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लीजिए, ओके, और तीन ही ऑप्शन है आपको चूज़ करने वाली। सो मैंने आपको ऑप्शन भी रिड्यूस कर दिए हैं, आपके ऑप्शन भी कम कर दिए हैं, और आपको लोकेशन भी बता दी है, तो आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका क्या होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने की हमें हिम्मत आती है कि हाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ बने। सो किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे जो है वीडियो, एक पर्टिकुलर वीडियो हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए। अब ये पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, जिसमें हमने तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखे हैं, एमसीक्यू, येस नो नॉट गिवन, एंड लास्ट वन इज़ समरी कम्प्लीशन। ये वीडियो ओवरऑल आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपने पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखा तो जाइए और पार्ट वन एंड पार्ट टू भी देखिए, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और जो ट्रिक है कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स की वो ज़रूर अप्लाई करके देखना, आपको फ़र्क पता लग जाएगा आपके मार्क्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।